नमस्कार मित्रगणों, पहाड़ पर ये जो दिख रहा है नंदगांव है और ये बरसाना और नंदगांव के बीच में स्थित उद्धव और गोपियों का संवाद स्थल है जो कि भारी बारिश में बंद हो चुका है। हम अकेले इस पानी के अंदर से उन संवाद को तलाशने और दर्शनीय स्थलों के लिए अकेले निकल पड़े हैं और खोजेंगे आज पुरातन साक्ष्य और वो स्थल जहाँ पर श्री कृष्ण का संदेश लेके गोपियों से उद्धव मिलते हैं और समझाते हैं और उसके बाद बाल नोच कर उद्धव वापस लौट जाते हैं। ये वही स्थल है जहाँ पर संवाद हुआ था। जय ये कुआं है तो चीन जगह का जिनका संरक्षण नहीं होता है उनकी दशा यही हो जाती है। और ये भोलेनाथ का स्थल है। यहाँ पर लोग बिल्कुल अब नहीं आ रहे क्योंकि चारों तरफ पानी से डूबा हुआ है। हम उधर संवाद स्थल से ये उस समय का बैठकर बावड़ी संवाद करने खाने पीने का स्थल है और सामने से नंदगांव दिख रहा है। इधर दूर जो है बरसाना भी नज़र आएगा और अलग अलग स्थलों की अपनी अलग अलग कहानियाँ भी अपने आप में समेटी हुई हैं। हर संरक्षित स्थल के आसपास अब तो घर के निर्माण भी हो जाते हैं। पुराना मंदिर और इसके साक्ष्य को पानी में खंगालते हुए हम आगे बढ़कर कुछ नया खोजने के लिए वृंदावन खाक छान रहे हैं। पानी में सब कुछ बंद है। कोई है? एक बज चुका है, मंदिर का कपाट भी बंद है। 2 बजे के आसपास जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा का संदेश उद्धव को लेकर आए, ये हैं उद्धव जी। प्राचीन समय पर यहीं पर उद्धव जी ने बैठकर गोपियों को संदेश दिया था कि आप कृष्ण का प्रेम छोड़कर हरि नाम का जाप करो। तब गोपियों ने बताया कि नहीं, ये उद्धव मेरे पास एक ही मन है, 10-20 तो नहीं हैं जो मैं अलग अलग लगाऊं, एक मन है, उसे माखन चोर यानी कन्हैया लेकर गया है। अब मैं उनके बिना कहाँ रह सकती। विरह और अपने स्थल के दर्द को बयां करने के बाद, उद्धव के लाख प्रयत्न के बाद जब उन्हें सफलता ना मिली तो वो बाल नोच कर इधर उधर बावड़े हो गए और ये पूरा स्थल जो है जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। पानी क्योंकि ये स्थल निचला है और मथुरा में भारी बारिश के बावजूद आज 28 नवंबर दिन शुक्रवार सॉरी 28 अक्टूबर शुक्रवार यानी आज ही के दिन से छठ के नहाए खाए की शुरुआत हो चुकी है और ये संवाद स्थल है। यहाँ से नंदगांव और बरसाने की गोपियाँ आईं और मुलाकात हुई। श्री कृष्ण का मथुरा से संदेश लाकर उद्धव ने दिया, लेकिन क्या है, उद्धव को कोई सफलता नहीं मिली। प्रेम रंग में डूबी गोपियाँ। उद्धव संवाद स्थल, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर गोपियों से मिलने उद्धव जी आए जो सामने मौजूद हैं। इनका मंदिर है, दोपहर का 2:30 बज रहा है इसलिए बंद है। भारी बारिश के बाद यह स्थल बंद हो गया और ये वही स्थल है जिसको हम चारों तरफ पास से जाकर खंगालने की कोशिश करेंगे। ये चारों तरफ वृंदावन नंदगांव के जंगल हैं जो भारी बारिश की चपेट में आकर लगभग बंद से हो गए हैं। उद्धव स्थल की निशानियाँ और ये विद्या के पेड़, वीरान जंगल
कभी श्री कृष्ण राधा की संवाद बात प्रेम वार्तालाप का गवाह है। जब श्री कृष्ण भगवान नंदगांव से 11 साल 52 दिन रहने के बाद मथुरा चले जाते हैं, गोपियों और नंदगांव के लोगों को याद सताती है और गोपियों की विरह नंदगांव से मथुरा मक्खन लेकर जाने वाली ग्वालियों से सुनने के बाद श्री कृष्ण अधीर हो उठते हैं और उद्धव को भेजते हैं, जो अपने आप को बहुत विद्वान मानते थे, कि जाइए आप समझाइए। उन्हें लगा मैं समझा लूँगा, और समझाने के लिए चल पड़े। दूर यही नंदगांव है जहाँ से इस स्थल पर समझाने के लिए उद्धव आए, और बगल में बरसाना जो 5 किलोमीटर करीब दूर है, वहाँ से गोपियाँ आईं। और श्री कृष्ण की गोपियाँ इस साइड में ललिता सुकन्या चारों तरफ से अलग अलग गांव से आई, और यहीं पर बैठकर उन्होंने संवाद किया और उन्होंने बहुत समझाया कि आपको कृष्ण के बजाय भारी नाम का जाप करना चाहिए। तब उन्होंने, जिसको बिहारी ने भी अपनी कविता में लिखा है, ये संरक्षित कुआं और क्षेत्र उसी के निशान और साक्ष्य आज भी गवाह के तौर पर है, कि मेरे पास 10-20 मन नहीं है उद्धव, एक मन था जो श्री कृष्ण ले गए, अब मैं किस मन से भजन करूं। लाख समाज छाने के बाद जब कोई परिणाम ना निकला, उल्टे उद्धव के तर्क छोटे पड़ने लगे, और गोपियों ने यहीं पर उनके खत को लेकर जंगल में इधर उधर भागने लगी और एक दूसरे को नोचते हुए एक दूसरा छोटा छोटा खत का टुकड़ा ले गई। अब उद्धव भी हैरानी में पड़ गए कि कृष्ण से इतना लगाव, उनके एक भेजे पत्र में अपने अपने नाम को खोज रही गोपियाँ, को ये मालूम ही नहीं है कि कृष्ण ने तुम्हें दूर यानी प्रेम मार्ग से भक्ति मार्ग की बात कही। उद्धव हैरान रह गए, उद्धव को कुछ नहीं समझ आया। उसके बाद उद्धव खुद बैरागी हो गए और निकल पड़े ज्ञान की तलाश में। यही मंदिर है उद्धव का, और आज भी 5,500 साल पुराने साक्ष्य इस बात का प्रमाण देते हैं। यदुवंशी श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ पले बढ़े, और यही स्थल है जहाँ वो घूमा करते थे। अगले कड़ी अलग अलग स्थलों में हाव बिलाऊ, अयोध्या कुंड, ललिता कुंड, मोती कुंड, और कृष्ण का वो स्थल थोड़ी ही दूर जो टंकी दिख रही है, 1 किलोमीटर के दायरे में है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी से खोद कर 9 लाख गायों को पानी पिलाने के लिए बनाया था। आज भी ये सभी उसी चीज़ की गवाही देते हैं। 13 कदम जो कि 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पर है, बगल में आशेश्वर महादेव हैं, जहाँ भोलेनाथ इसी किले पर रहने वाले पहाड़ी पर नंद बाबा के यहाँ आए, जो गोकुल से कृष्ण को बचाकर यहाँ लाया, क्योंकि सांडिल मुनि की तपोस्थली पर श्राप था नंदगांव की सीमा में आते ही राक्षस पत्थर बन जाएंगे, किसी राक्षस का यहाँ वस ना चलता। कंस से बचाने के लिए श्री कृष्ण को 2 साल 11 दिन बाद भगवान को लेकर नंद बाबा इसी पहाड़ी पर आए, और यहीं कृष्ण खेलते हुए जब खेलने में मगन हो जाते, खाना पानी भूल जाते, तो यशोदा मैया कहती कि चलिए, नहीं तो हाव बिलाव आएगा। कृष्ण अपने लीलाओं में हाव बिलाव के डर से माँ के आंचल में दुबक जाते, जिसके बाद माँ उन्हें खाना खिलाती। अलग अलग ब्रजमंडल की बहुत सी कहानियाँ हैं जो एक दूसरे से गुथी हुई हैं, दंतकथाएँ हैं, उन दंतकथाओं का अपना अलग अलग महत्व भी है। अब हम कोशिश करेंगे
कई शिफ्ट में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक एक निशानी को रिकॉर्ड कर संरक्षित कर हम अपने लिए ताकि देखें और जब भी याद आए उसे देख सके यूट्यूब के इस मार्ग पर डाल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत माता।